ओके, एचयूएल में कोई ट्रेड बन रहा है रिजल्ट से पहले आज? सर आपकी आवाज फेड हो गई सर, इनिशियली आवाज फेड हो गई एचयूएल है में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में रिजल्ट जी। से पहले कोई ट्रेड बन रहा है? मैं यूजुअली रिजल्ट विंडोज को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, नहीं, आप रिजल्ट बट भूल जाइए, आप तो चार्ट में बताइए कैसा दिख रहा है। नहीं, वॉलेटिलिटी रहती है इसलिए स्टॉप लॉस खोटे हो जाते हैं। बाकी चार्ट में तो मुझे लगता है ओवर स्ट्रेच्ड है और रिस्क एरिया में है, 2700 2750 के ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पाता है और ना लग नहीं रहा कि इमीडिएटली 1-3 महीने में जा भी पाएगा। और नीचे में जो दायरे खुले हैं वो 2400-2500 तक के यहाँ पे खुले हुए हैं। ओके, नीचे की तरफ के दायरे खुले हुए, देखते हैं आप कैसे नतीजे आते हैं उससे अंदाजा लगेगा। मुनव्वर खान हमारे साथ हैं धौलपुर राजस्थान से। मुनव्वर, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने जोमेटो के शेयर परचेज किया है 1240 ओके, ₹53.97 के, तो होल्ड करें या क्या करें? जी 1246, 1250 क्यों नहीं लिए थे? 1246 है। नहीं, 46 नंबर क्यों? 50 लेते हैं आदमी, 100 लेता है, 46 जी क्या चक्कर था इसका? जी सर, मेरा पहले ज्यादा से महंगे में लिया हुआ था तो मैंने एवरेज किया था अच्छा, एवरेज कर कर के इतने हो गए। बताइए भाई जी। सर्वेंद्र जी, 53 रुपये 97 पैसे पर ये ले आए हैं भाव एवरेज करके, लेकिन अभी भी 2 रुपये का नुकसान है जोमेटो में, क्या करें, होल्ड करे रहें क्या? देखिए, डेटा तो बहुत कम है और जब से आया तब से स्टॉक मोटा मोटी गिर ही रहा है। एक हायर लो बनाने की कोशिश इस पर्टिकुलर करंट रैली में चल रही है, मतलब करंट करेक्शन में कोशिश कर रहा है कि पिछले लोस को होल्ड करे। तो आई थिंक ये एक पहला, मैं बहुत इनकरेजिंग तो नहीं बट पहला पहला एक पॉजिटिव साइन, ग्रीन शूट बोल सकता हूँ इसके लिए। तो आई थिंक 48-40 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे टिका हुआ है डेफिनेटली इनका भाव आ सकता है और मे भी थोड़ा बहुत 2-4 रुपए की कमाई भी हो सकती है। तो आई थिंक यहाँ से अगर इमीडिएटली मुझे लगता है कि 48-40 नहीं तोड़ेगा तो 58-59 का टारगेट है ऊपर में। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहना चाहें तो बने रहें, 48-40 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 58-59 का टारगेट है इसमें। चलिए एक और सवाल लेते हैं संजय दत्ता कोलकाता से। संजय जी, क्या सवाल है आपका? हाँ तो गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, मेरे बहुत दिनों से मेरा इच्छा थी सर्वेंद्र जी से बात करने की, और मेरे पास मेरे दो सवाल है। तो पहला सवाल, लेमन ट्री होटल है 77 रुपये 40 पैसे की भाव से 200 पीस, 2 महीने की टारगेट है, क्या हो सकती है 2 महीने में? और बिरला सॉफ्ट है 250 शेयर है मेरे पास, बिरला सॉफ्ट 365 की प्राइस पे, व्यू है 2 साल से 3 साल। बताइए सरवन जी। नहीं, बहुत बहुत नमस्कार इनको, इनके प्यार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके जो आप जो इनकी आवाज बहुत कट रही थी, तो लेमन ट्री आ रहा है मेरे सामने, लेमन ट्री का सवाल है इनका, राइट? यहाँ पे देखिए, जो लेमन ट्री ने जो 100 रुपए के आसपास जो ये टॉप बना दिया है अभी मंथली सेटअप्स में, ये एक बेरिश पैटर्न है मेरे हिसाब से। और बहुत ज्यादा इसमें भी डेटा नहीं है बट जो मुझे दिख पा रहा है लास्ट 1-1.5 साल का सेटअप, उसमें मुझे लगता है कि एक करेक्शन जो उसको 62 की तरफ लेके जाएगा वो किक इन हो चुका है। उसमें पहला राउंड हो गया है, मतलब 100 रुपए से 61 रुपए के तक आ गया था नीचे में 68, तो आई थिंक वो पहला राउंड हो गया है। एक उछाल पॉसिबली इसको मेरे ख्याल से 80-82 रुपए तक लेके जा सकता है, बट फाइनली एक बार 60-62 के इसके लोज बनेंगे उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे। बट फिलहाल एक रेंज बाउंड स्टॉक है और 62 रुपए से लेके 82 रुपए तक की रेंज है, 80-82 के आसपास आए अगर पुल बैक में तो मेरे हिसाब से थोड़ा हल्का होना चाहिए इनको। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।